बड़ा दामाद है करामत बीबी का, जात का कुम्हार है वो, तेरा कोई जोड़ नहीं इसके साथ। उधर देख, ये छोटा दामाद है करामत बीबी का, अमीर आदमी है, जीपे हैं, कारें हैं, जिम्मेदार है। वे सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाके का काउंसलर है। वे ऐसे लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, कल को ये तुम्हारे भाई को भी दुबई भेज सकता है। छोटी साली हूँ, ये आपकी बड़ी साली। बिस्मिल्लाह, बैठो बेटा बैठो। अब ऐसे कैसे बैठ जाए, पलंग पे बैठे तो उससे पहले लाग देना पड़ेगा जरूरी। लाग? हाँ लाग, और वो भी पूरे 2000 रुपए लूंगी मैं। अरे चली हो गई है, बैठने तो दे दूल्हे बेचारे को। हाँ हाँ बेटा, लाग भी दे के जाएंगे, हम कोई गरीब गुरबा लोग नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है जी के पलंग पे ना पहले दूल्हा ही बैठेगा। ये क्या कह रही है? बैठो 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 बैठो। ओह, ये क्या हो गया? तुर फटे मुंह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं जी, सालियों की शरारत है, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की, चल जीशान चल। कोई तुझे लड़कियों की कमी नहीं है, मखौल की किसी हद होती है। भाई साहब मेरी बात तो सुने आप। ये क्या किया तूने, मुझे तो बता देती, खून की होएगा। कुछ नहीं होएगा, इतने नखरे ने तो जाए। चल जीशान की माँ चल, हमें नहीं चाहिए ऐसा क्या खानदान। अच्छा छोड़ दे, लड़कियों ने तो मजाक ही किया था। इज्जत करनी आती नहीं मेहमानों की, इतना जोर से मेरा बच्चा गिरा है, अगर सर फट जाता तो फिर क्या बनता। रखे अपने पास अपनी लड़की, हम इधर ही तलाक दे के जाएंगे इसे। भाई साहब माफी दे दो, मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी तो तेरी तीनों जैसी है ना। पता तो तब चलेगा ना जब तुम्हारी लड़की तुम्हारे दरवाजे पर सारी उम्र बैठी रहेगी। ओ यार छोड़ यार, तू उधर देख, वो बेवा खतून है और उसकी यतीम बेटी है। ओ यार तू उनको माफ कर दे। ओ उनको नहीं माफ करता तो मुझे माफ कर दे यार, मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। ओ ना बरा, हमें नहीं चाहिए ये कुड़ी, बिठाओ अपने पास, चल आज ही शान की माँ मेरे साथ। ओए चाचा एक मिनट, हाथ जरा हौला है, देख मेरी बात सुन। ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो ऐसे मौके पे हो ही जाती हैं, और देख ले मेरी साली को सामने खलौती है, और इसने मुझे दूध में नमक डाल के पिला दिया था। ओ ना मैं निकल पाऊँ ना मैं उगल पाऊँ, है ना मजे की बात। लेकिन बात क्या थी, इज्जत की, और अपनी इज्जत के लिए बंदा मर जाता है, इस तरह अपनी इज्जत को छोड़ के थोड़ी जाता है। और जब अपनी इज्जत बना लिया है तो उस इज्जत को तो साथ लेके जाना है ना। है
अच्छा तू इज्जत वाला है, तेरी बात मान लेता हूं। आए हाय वे मीदू, तू यहाँ बैठा है वे, मैं पूरे घर में ढूंढ के आई हूँ तुझे। मैं तुझे जैसे मेरी बड़ी परवाह है ना। ले दस, मुझे कैसे नहीं होगी तेरी परवाह, सबसे ज्यादा मुझे तेरी परवाह है। अब आकर बस कर चलाकियाँ, लग गया मुझे पता किसको कितनी परवाह है मेरी। क्या बात है मीदू, ऐसे क्यों कह रहा है तू? अच्छा डे सारी बातें, चल वापस चल कर। खैर तो है, अभी तो पीनू की रुख्सती हुई है खलबली में और परसों मुखलावा है। पर दिमाग ना खराब कर मेरा, कह दिया ना चल कर चले। बात क्या है, चंगा पला तो था सवेरे। तू चलती है मेरे साथ या मैं जाऊं कल्ला? अच्छा अच्छा रोटी खा ले फिर चलते हैं। और देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना तंग कर मुझे, नहीं खानी रोटी छोटी मुझे। जा जाके सामान समेट। सीमा ये तू क्या कर रही है? जा रही हूँ। जा रही हूँ? दिमाग तो ठीक है तेरा, आज ही तो पीने की रुखसती हुई है, वैसे भी अम्मा बड़ा रोई है आज, और अब तू भी जा रही है। मीदू कह रहा जाने के लिए, मैं क्या करूँ? मीदू बड़ा नवाब है, उसे तो मैं अम्मा से ठीक कराऊंगी। समझने की कोशिश कर, मीदू की तबीयत नहीं है ठीक। मीदू की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत तो मैं ठीक करूंगी ना। बस तू रख कपड़े चल। जिद ना कर, जाने दे मुझे। ऐसे अम्मा को बुलाती हूँ मैं, ठहर जा तू जरा, मीदू को भी ठीक कराती हूँ। अम्मा अम्मा आई जरा। क्या रोला डाला है तुम दोनों ने? अम्मा देख ना ये भी जा रही है, अखे मीदू ने बुलाया है। मीदू बड़ा डीसी लाग गया हम पे है, एक तो मेरी ती रोल छोड़ी और ऊपर से चल छट रखिए कपड़े, कोई जरूरत नहीं है मीदू को भी जाने की ना। तुम दोनों ने कल मुकलावा लेने नहीं जाना? जाने दे अम्मा, वो मीदू की दुकान बंद है। हाँ पता है मुझे मीदू की दुकान का, एक दिन दो चार कड़े ना बिके तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। रख कपड़े, कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की। पर मीदू को तो मैं आप नहीं बढ़ लेती हूँ, तू देख सर। अब बोल। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आए, देख बंदे की इतनी जी हजूरी चंगी नहीं होती, रीमे कोई देख ले, 10 दिन तक कहूंगी ना तो बैठा रहेगा वो। वैसे भी तेरे कौन सा बच्चे रो रहे हैं कार। हाँ
बच्चे ही तो नहीं है। चल छाड़, तू दिल छोटा ना कर मेरी बहन, अल्लाह तेरी जरूर सुनेगा। नवाब साहब, ये खैर है ना? मैं क्या बीमारी पड़ गई है तुझे जो घर जाने की जल्दी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, चंगी तरह जानती हूँ मैं तेरी तबीयत को। चार बंदों में बैठने की वैसे भी तुझे आदत नहीं है, बैठ आराम से। मैंने खामखा मेरी ती को परेशान किया हुआ है। तो मासी, मैं आप बड़ा परेशान हूँ ना। क्या परेशानी है तुझे है? इस खुशी के मौके पर अहमी तू हमें नखरे दिखाए जा रहा है। कहा तो है ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ तो कर जाके तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। देख तू कहता है ना तो मैं तुझे दवाई मंगा देती हूँ। नहीं रहने दे, लोड़ नहीं है मुझे। हाँ है, फिर ऐवी डाम ना लगा। चंगी पली मैं रोटियां पका रही थी, खाम खा मुझे छोड़ छाड़ के आना पड़ा तुझे मनाने के लिए। चल उठ, आ जा रोटी खा के। वे आ जा, आ। तो लकड़ियों ने मत मार दी। बीना जी। माँ जी, पुत्र खाना तैयार हो गया है, तू रही में क्या? तू आ दे। अच्छा जाती हूँ। हाथ धो ले। मीदू उठ, तू भी आप तो के आ जा। मीदू, मीदू उधर किधर बैठ रहा है? इधर आ जा मेरे पास, आ जा। चल जा। ये ले पढ़। चल खा, और चाहिए हुई ना तो ले लें। और चाहिए हो तो ले लें। किसी और चीज की लौड़ तो नहीं है? पूछ ले। तू, तो तुझे क्या हुआ? मीदू, मीदू, वे मीदू, तूने तूने कुछ कहा इसको? नहीं अम्मा, मैंने क्या कहना है इसे? क्या किथे? अल्लाह जाने कहां चला गया, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। चंगा भला मेरे पास बैठ के रोटी खान लगा था, पता नहीं क्या हुआ, रोटी सुट के ये जा वो जा। इसकी तो जब से दुकान चलने लगी है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। देखती हूँ मैं खुद ही जाके उसको, जाती हूँ उसके पीछे। ओ किधर जा रही है तू? गया होगा कहीं इधर उधर, आ जाएगा फिर। पुत्र जाना कहाँ है उसने? ये पिछली गली में होगा, मैं देखती हूँ जाकर। ठहर जा, देखता हूँ मैं। ना पुत्र, तू कहाँ तकलीफ करेगा, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ उसे। तू बैठ के रोटी खा, तू ख्याल रख इनका,
मैं उसको देख कर आती हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका तो। सीमा, ये पा मीदू को क्या हुआ? कहीं तूने तो नहीं कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा मैंने बीना, रब जाने क्या हो गया इसे, शाम से ही मुंह बनाया हुआ। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस कार में। कौड़े बिद्दू के अब्बा, ओ वे कौन आया बाहर कोड़े बेच के सुता रहता है? उठ जा 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 छेती जा। तो कौन आते है? आख रहे हैं? ओ डग 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 डग। ए तू ना उठी? ओ जा गोडे आज दर्दा रे, जा टर प्या कर। अच्छा जा काली तनु बड़ी कौन है भाई? है वह मीदू? ओ खैर तो है पुत, अधी रात को घर वापस आ गया। वेख लो ते सही। मैं क्या वो क्या उसको भाई? अब सवेरे पूछ लेंगे, सो जा। सवेरे तो पूछ ही लेंगे, ये तो कह रहा था कि कल परसों आऊंगा, अधी रातों को घर आ गया। लड़ पिया होगा अपने ससुरालियों के साथ, और उसका काम क्या है? अच्छा अच्छा सो जा, सवेरे पूछ लेंगे, और मेरी नींद ना खराब करें। सो जा तू, सो जा तू, बैठा तू सो। अरे माँ मेरी अंधियारा दरबार तंग कर। नहीं बस कर दे, बस कर दे, सवेर से रो रो के तूने अपना बुरा हाल कर लिया। मैं क्या करूं बेबे, रोना तो और क्या करूं, सोचू ना तो और क्या करूं। हाँ हाय। नहीं सीमा, ये तू कैसे गल कर रही है अम्मा से? ना तू तो ऐसे ही कहेगी ना, तेरा साई तो है ना तेरे पास। पामी दुख हो क्या गया अम्मा, ऐसा तो वो नहीं था, कहीं तूने तो नहीं उसे कुछ कहा? हाँ हाय, ले दासा ना, मैंने क्या कहना है उसको, वो तो सवेरे से ही उखड़ा उखड़ा था। पता है तुम्हें, वो करीम से भी झगड़ा करके गया है। खैर बेबे, कोई गल तो जरूर है, पामीदू ऐसा करने वाला तो नहीं था। अल्लाह ही जाने कहाँ चला गया है वो। नहीं जाना कहाँ है उसने, घर गया होगा अपने, और किधर। तू फिक्र ना कर मेरी थी, मैं सवेरे जाके पता करूंगी उसका। ना कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने वाने की, मैं आप ही टूट जाऊंगी सवेरे, कोई लोड नहीं है जाने की। बस अब हौसला करके बैठ, कसूर सारा तेरा ही है, तूने सिर पे चढ़ाया हुआ है उसको। बीना का शौहर भी तो है ना, कैसे इसके आगे पीछे फिरता है? तेरा बंदा है, मिजाज ही नहीं मिलते नवाब साहब के। चल बस कर नारो मेरी थी, हौसला कर, मैं सवेरे जाऊंगी पता करूंगी उसका, रब खैर करेगा। बस मेरी थी। सलाम बेबे। वालेकुम सलाम पैना। बेबे बेबे मीदू किधर है, घर आया था? हाँ वो काफी चौखी रात वेले घर आया था, अति सो गया। देखा देखा भैने इस मुंडे की हरकत, चंगा पला चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाने लगा था। आहे मैं तो अपने हाथ से गरम गरम रोटियां पकाकर उसको दे रही थी, पता नहीं क्या हुआ, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना गल ना बात, उठा और ये जा वो जा, मैं तो पीछे से आवाजें देती रह गई उसको। सारी रात अम्मा ती की जिस तरह गुजरी है ना, वो हम जानते हैं या हमारा खुदा। देख बहन तुझे तो पता ही है कि मैंने कल ती को टोरा है, अभी उसका गम नहीं गया तो मीदू ने ऊपर से तमाशा लगा दिया अपना, जरा आवाज तो दे किधर है वो। दस्या है ना कि काफी देर से आया था रात को, अते साथ ही सो गया। मैंने पूछा भी कि सुना सीमा नहीं आई, हंसने लगा कि कल आ जाएगी, गल कोई मुझे जरूर लगती है। मैंने कहा सुबह जाऊंगी तेरे से पूछूंगी, सीमा ती से पूछूंगी कि कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया।
सीमा मेरखना, तुझे तो पता ही है कि मेरा पोत तो बहुत ही देर किसी के साथ नाराज रह ही नहीं सकता। पर वो तो कल कोई बात ही नहीं कर रहा था, अखा लाल बोटी वांगू और एक चुप। बेबे बेबे ऐदस कोई टुकर पानी खादा उन्हें? किथे, तड़के वेले उठे ना चाह ना पानी और टुर गए। हद ही मुका दी इस मीदे ने, वेखना बेबे उधर से भी कुछ नहीं खा के आया। देख भैन, आज कल के लड़कों का दिमाग खराब होने में देर नहीं लगती, मुझे तो लगता है असर हो गया जिन भूत का मीतू पर। बेबे कैसी बातें करती है तू, एवं ना अंदाजे लगाती रह कर, वेख ली तू एक दिन मेरा मीदू अपने आप ही वापस आ जाएगा कार। नहीं सीमा, तू मन ना मन गल कोई जरूर है, हरे क्या से तो चुप लगी हुई है, देख लेना बिचों कोई ना कोई गल जरूर निकलेगी। वैसे मिधु बेचता है क्या अभी कड़क कनालिया? ये भी क्या हुनर हुआ कि बंदा सारा दिन मट्टी में भूत बना रहा है, कख हुनर है? तभी तुझे मासी ने मजदूरों वाला काम दिया है। ओए, ये बड़ा दामाद है करामत बीबी का, जात का कुम्यार है, वो तेरा कोई जोड़ नहीं इसके साथ। पुत्र खाना तैयार हो गया, तुम रही में क्या, तू आ दे। मीदू मीदू उधर किधर बैठा है? इधर आजा मेरे पास आजा। नहीं बढ़ना मुझे कमियार, नहीं चाहिए तुम्हारी रोटी। मैं कोई फकीर हूं जो हाथ में रोटी रख के खाऊं? नहीं, मैं फकीर नहीं हूं, नहीं हूं मैं फकीर, 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 नहीं हूं मैं फकीर। बेटा मेरे पैसे दे, मैं तेरी अभी किनाली बिकी है। पामिदू तू रोया है? नहीं यार, नहीं मैं नहीं रोया, वो तो तिजाय है यार। अच्छा अच्छा चले जा, तू तू मुझसे नाराज है? और मैं नहीं नाराज यार, और जा अल्लाह के वास्ते जा यहां से। मैं तो किनाली तो दिखा भाई वाली, और तो ती किनाली दे उसको। सबसे वड्डी
किन्ने पैसे देने? एक नाली 35 रुपए दी। हाय इन्नी महंगी, कोई मिट्टी लगी सोना तो नहीं? ओए तोती दे देना यार। चल मासी तू 30 दे दे। और कुछ चाहिए? भैया एक हांडी भी दे दो। हांडी? हांडी किधर है? ले मासी ए हांडी भी पकड़। इंदे किन्ने पैसे? ए 50 रुपए दी है। हाय इन्नी महंगी। चल तू साडी हमसाई है ना, 40 रुपए दे दे। ठीक, ये पामी दू पूरे 70 रुपए। ये ले पामी दू, पामी दू, तुझे तो बुखार है। नहीं यार ठीक हूँ मैं। रुक पामी दू, मैं अभी तेरे लिए बुखार की गोलियां लेकर आता हूँ। मदीन, क्या बात है यार, आज बड़ा चुप चुप बैठा है, कोई बात ही नहीं कर रहा मुझसे। पता नहीं क्या हो गया मेरे पुत्र को, आवाज में ही नहीं है, पागल हो गया, बुखार चढ़ा हुआ है, तप रहा है। ओए आखिर कुछ तो बताया होगा उसने तुझे? कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता, कहता है अरे कुम्हारों की भी कुछ जिंदगी है, होते क्या कुम्हार, कुछ नहीं। मैंने बड़ा समझाया कि देख पागला, ये हमारे बाप दादा का काम है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती मुझे, किस्मत मेरी भैड़ी मुंशी, इसे ससुराल क्यों भेज दिया। हौसला रख तू यार, तू तो खुद बड़ा हौसले वाला आदमी है। यार मेरा कला, बस जब से वहां गया था मुझे, तू तो यार सियाणा म्याणा बंदा, मैं कहां जाऊं क्या करूं। अच्छा तू रो मत, चलिया सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मुंशी, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। एको एक मेरा पुत्र, खुदा पे यकीन कर मुंशी, मैंने तो इसको कभी कंडा नहीं चुभने दिया। वो कंडा चुभता भी कैसे, मेरे मुंडे से उतरा था कंडा चुभता ना, नहीं क्या हो गया इसको। यकीन कर मुंशी, मैंने हाँ फाके कटे, लेकिन इसके छोटी छोटी जिद्दें, इसकी लाड वो पूरी कर ला रहे मैं। पता नहीं क्या हो गया। ओ मैं आऊंगा शाम को घर, नीतू ऐसे बड़ा प्यारा लड़का है, समझाऊंगा उसे। वो लोगों के ना पक्के कोठे देख के अपने कच्चे नहीं टा दिया करते, समझ जाएगा वो मेरी बातें, तू फिक्र ना कर। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे उसे बुखार चढ़ा, मेरा भी काम में जी नहीं लग रहा यार। अच्छा ठीक है, शाम को घर में मुलाकात होगी फिर। मिधु रोटी खा ले। भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है तुझे, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं खाया। देख मैं तेरी पसंद के करेल पका के लाई हूँ। जा जा मगज ना खा मेरा, कह दिया ना भूख नहीं है तो फिर नहीं है। है तुझे भूख, जानती हूँ मैं, मैं तुझे खुद खिलाती हूँ मिधु, अपने हाथ से। जा जा चली जा वरना। वरना क्या कर लेगा, मारेगा मुझे? ओए हाँ मारूंगा, क्या कर लेगी तू? चल ठीक है,
मार दे तू, अपने हाथों से गला घोंट के मार डाल मुझे। वैसे भी रोज रोज इस तरह कतरा कतरा कुट कुट के मरने से तो बेहतर है मैं एक ही दफा मर जाऊं। देख चली जा यहां से और मुझे आज कुछ ना कह तू। नहीं जाती यहां से, जब तक तू कुछ खा नहीं लेता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अच्छा चल छोड़ ना मीतू, खा ले। जा जाके अपने सक्के को खिला रहीमे को, जिसको तेरी माँ ने मेज पे रख के रोटी दी थी और मुझे ऐसे हाथ पे रख के। ओए फकीर हूं मैं, ओए समझती क्या अपने आप को तेरी माँ? इतनी नवाबजादी थी तो क्यों दी थी अपनी कम यारों को? और तब पता नहीं था कि हम गरीब हैं? एक दमाद अमीर क्या हो गया, दूसरे को पैर की जूती समझ लिया। अच्छा इस बात का गुस्सा है तुझे? ओए हाँ गुस्सा है मुझे, और तेरी माँ अपने आप को समझती क्या है? और जिसकी जेब भरी हो उसी की इज्जत होती है। इसमें मेरा क्या कसूर है मीदू? चल खा ले रोटी, मुझे माफ कर दे, बेबी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। और रही बात अम्मा की, उससे तो मैं खुद बात करूंगी। ओए कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, जे गई ना तू तो वापस ना आना। अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही करूँ। चल माफ कर दे मुझे, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया मीतू। तुझे तो पता है ना मैं हमेशा से तेरे ही साथ हूँ। चल अब खा ले, मैं खुद खिलाती हूँ तुझे अपने हाथ से। बस बस खा लूंगा मैं। आप बेबे तुझे पता है क्या? आज ना पामिदू को बड़ा बुखार था। कब? शामी, मैं उसे गोली भी ला कर दी थी। मैं कहाँ थी? तू भैंसों के लिए पट्टे लेने गई थी ना। तो तू मुझे बता नहीं सकता था हैं? ओहो मैं भूल गया था। भूल गया था, खाना पीना तो नहीं भूलता तुझे, ये बताना भूल गया हैं? अब तो बता रू ना। तो अब मैं क्या करूँ, उसके घर जाऊँ इस वक्त इतनी देर से? ओहो फिर क्या हो गया, लोग रात को 2:30 बजे चले जाते बीमारों का पता करने, इस वक्त कुछ देर तो नहीं हुई? चलो मैं भी चलता हूँ। रहन दे तू बैठा रहे, मैं कल ही चली जाऊंगी। ऐमी डिग्गा होगा कि तक किचड़ी चोर मैं मुसीबत पाएगा। चल उठ तोती। बेबे रुक जा, खाना तो खाने दे। ओए हाय खाना आके खा लेना, पता नहीं क्या हाल होगा मेरे वीर का। उठ और मेरी बात सुन, घर पे ही रही, घर खुला छोड़ के कहीं निकला ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ओ यार मेरी बिस्ती करती रहती है, मुझे समझ नहीं आती, मेरी बहुत बिस्ती करती है। पर मुझे क्या है, मैं खाना खाऊं मैं तो हूं ही डीट। मुझे क्या है, मैं मीदू, मीदू क्या हुआ है? तोती ने मुझे बताया तेरी तबीयत खराब है, क्या बात है, ताप चढ़ा हुआ है? कुछ नहीं आबा, मैं तो ठीक हूँ, हाथ ला के देख रहा है। ताप तो कोई नहीं है, इन्हें तो मेरी जान ही काट दी थी। नहीं आपा बुखार था, उतर गया अब। और जानती है अम्मा से किस बात पे लड़के आए कि अम्मा रहीमे को मेज कुर्सी पे रोटी देती है और इसको हाथ पे देती है रोटी इसकी। रहीमे दिमाग ना खराब कर मेरा। आपा मुनीरो और तू ही दस, बेइज्जती नहीं मेरी? नहीं गलती माड़ी है, जवाई फिर जवाई होता है। क्या हुआ जो आज मेरे वीर के पास पैसे नहीं है, सारे पिंड के दिलों पे राज करता है। तो क्या हुआ आपा, माफी मांगी तो है मैंने इससे। तूने जो पहले क्यों बताया पामिदू, तू कह तो कल ही चाची करामते से बदला ले लेते हैं। वे क्या मतलब है तेरा? पामिदू बस तू एक इशारा कर, अगर चाची करामते तेरे से कल 500 पांडे ना लेके गई ना तो मेरा नाम भी तोती नहीं। समझ में आई तेरी गल? बड़ी शैं तू भाई, क्या समझा रहा है मुझे भी बता। कुछ नहीं बेबे, ये तो मेरी और पामिदू की आपस की गल है। ले बड़ा आपस की गल, सीधी तरह बता मुझे, नहीं तो ये कान खींच के ना लंबा कर दूंगी। ओहो बेबे कान ना कुछ नहीं, मैं तो बस एम ही पामिदू को खुश करने की कोशिश कर रहा था, देख किस तरह हंस रहा है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। अब पता चलेगा इसे मेरे बेटे पे कब्जा किया हुआ था। हाय 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 मैं मर गई। हाय हाय सलाम मामा। वालेकुम अस्सलाम। देनी मेरा पुत्र सदके जाओ मेरा अब्दुल्ला। अम्मा जी खैर है ना सब? आहो खैर है। याद आ गया घर वापस आना? देख अम्मा देख, अब 3 दिन का कहा था तुझसे, 1 घंटा ऊपर नहीं हुआ है। हाँ जी बड़ा एहसान किया ना मुझ पे। अम्मा जी वो मेरी प्यारी अम्मा हो, ओ अपना मुंह ठीक कर ले। और देखना सब आ गए हैं तेरे पास हैं। वो तो चंगा हुआ कि मैं वहां चला गया और सब कुछ संभाल लिया मैंने। क्यों पुत्र जी, उत्थे जंग लग गई सी? ओए होए होए तौबा तौबा तौबा। ओ हो चंगा भला तमाशा खड़ा हो गया था मैं जी। हाँ ओ जो पीनू की सास है ना, ओए बड़ी कपत्ती निकली है। मेरी सास से कम ही कपत्ती है। छोटी सी निक्की जी गल पे ना तलाक दवाने लगी थी अपने पुत्र से। फिर ते चंगी हुई ना पुत्र। मेरा पुत्र ते वड्डी गल ते भी तलाक नहीं देंदा। अम्मा अम्मा तू तो चाहती यही है कि रेमा मुझे तलाक दे दे, तुझे सुकून मिल जाए, तेरे कलेजे में ठंड पड़ जाए। तू देखती जा, वो दिन भी दिखा कर रहूंगी तुझे। देखे देखा रेमे मैंने क्या बिगाड़ा तेरी माँ का। तू भी बस कर ना, काम खाना भड़क जाएगा। पर मैं तेरे के ऐसे बोलने लगा है तो अपनी माँ को समझाना। सुहागन के लिए तलाक का लफ्ज क़यामत की कड़ी होता है। मैं ये रोज के ताने मीने नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ बढ़िया है ताने मीने सुनाने वाली। तेरा तो मैं पक्का पक्का बंदोबस्त करूंगी। ले फिर अम्मा मैं भी इधर हूँ, तू भी इधर है, देख लूंगी मैं। ले जा इसे, ले जा पुत्र इसे ले जा। ओ ठीक है मरी, आराम करो आराम करो। ठीक है और चले चल। चल हां चल रही हूं लेकिन मैंने इसका बगाड़ा किया। जब भी घर में कदम रखूंगी सियापा घर आकर के बैठ। अच्छा 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 तू देख ही जा कुड़िए, मैं तेज चला देता बस तेरे कमरे च पैर रखने दी देर है। ओ चाचा तुझे नहीं पता मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। ओए हाँ पुत्र पता है मुझे, उसने वाकई तेरी बहुत बेइज्जती की है। वो दामाद गरीब हो या अमीर हो यार इसमें क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है सासें अपने दामादों को ना हाथ के छाले की तरह रखती हैं, हाथ के छाले की तरह। इसने तेरी वाकई बहुत बेइज्जती की है यार। चाचा उसे मेज पे बिठा के रोटी दी और मुझे हाथ पे रख के। और भूल जा इन बातों को, अब जो होना था सो हो गया ना। तेरे ये बुखार चढ़ाने से ये भूखे रहने से उसकी सेहत पर असर पड़ेगा कोई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तू वो ही रहेगा मीतू का मीतू, कमियार का पुत्र कमियार बस। क्या मतलब? मतलब क्या होना है, उसने रीमे की तो इज्जत नहीं की, उसने उसकी दौलत की इज्जत की है, उसकी जेब को मेज में पटा के खाना खिलाया। मैं नहीं समझे। दौलत कट्ठी कर दौलत। हम पर चाचा मैं कहाँ से लाऊं पैसा? ओए हमारे पास तो कोई जायदाद भी नहीं, ओए जमीन का एक टोटा भी नहीं है हमारे पास। ओए ये कड़े कनालियां ही हैं बस। सोना सुन गौर से सुन, दुनिया में ना 2 किस्म के लोगों की इज्जत है, एक उनकी जिनके पास दौलत है माल है, और दूसरे वो लोग जिनके पास कोई औहदा है। और रीमे के पास दोनों चीजें हैं, दोनों दौलत भी है और पिछले 5 साल से वो काउंसलर भी है। तो फिर चाचा तू ही बता मैं क्या करूं? यार मीते तू काउंसलर का इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन? ओए हाँ मैं देख यार
सारा पिंड तुझे जानता है और दिन रात तू लोगों के काम आता है, वो आता है कि नहीं? ये तो है चाचा, पर बस फिर हम सारे रल के ना पूरे पिंड को समझाते हैं, इलेक्शन काका तू ही जीतेगा। और इलेक्शन में दिन भी कितने रह गए हैं अब। ओए मीजे, ओ तू समझ नहीं आती, भांडे तुझसे बनाए नहीं जाते, चाक पर तुझसे बैठा नहीं जाता, करेगा क्या हैं? अब्बा मैंने फैसला कर लिया, मैंने अब ये काम नहीं करना, दुकान तो मैंने वैसे ही दे दिए। किसको भाई? तोती को, सारा सारा दिन वारा फिरता था। सद के जाऊ तू की उसे क्लासा लेता जाके? बस मैंने नहीं करना काम, आप मनीरों से मैं आप ही बात कर लूंगा। तेरा दिमाग फिर गया, ऐड जा तोती उन्हें दुकान से बिठाता। अरे एक बात मुझे आज बता सीधी सीधी, देखा तू तो जिंदगी में करना क्या चाहता है? इलेक्शन लड़ना है। क्या लड़ेगा? इलेक्शन लड़ूंगा मैं, काउंसलर बनना है मैंने, इलेक्शन आने वाले हैं, बस मैंने फैसला कर लिया मैं काउंसलर ही बनूंगा। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए रे, तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए रे। आंखें बरस बरस गई, तरस तरस दे दे एक झलक, हाय रे। अपना अपना भाए तेरे बिन मुझे चैन कहीं ना आए, तेरे बिन मुझे दे हाथों में हाथ, तू था मेरे साथ अभी कल की है बात, हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए।